Entertaining. क्या कर रही हो? मुझे शर्म आ रही है. नहीं जी, ये क्या कर रहा है? देख रही है दी, आयु पर एकदम नहीं है. मतलब यहाँ पे बड़ी बहन खड़ी है और उसके बाद क्या बदतमीजी. अरे ऐसी तो भाभी, आप जाइए भैया को लेके जाइए घर में. हाँ, तो समझ में आ रहा है, लेकिन तुम तो एकदम बेहाया हो गया, थोड़ा भी शर्म ना करनी चाहिए. दीदी इधर आइए. अरे छोटी दीदी मेरी ना 20 साल से कर रही है नवरात्रा. शरीर खटाती है, ये नहीं कि शरीर मोटाती है घर में सिर्फ रह. हम जा रहे हैं जाओ. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल सोनल सुहान ब्लॉग. कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे हैं, हम लोग भी अच्छे हैं. गाइस बहुत सारा आप लोग का डिमांड आ रहा था, भैया किसिंग प्रैंक करो फैमिली के सामने, मतलब अपने फैमिली के सामने, मतलब सोनल के ससुराल, मतलब मेरा घर. तो एक्चुअली आज मौका बहुत अच्छा था ये प्रैंक करने का, आज मैंने सोच लिया. आप लोग हाईलाइट्स तो देख लिए होंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है, पूरा वीडियो देखना, अंत तक देखना. गजब का रिएक्शन आया सोनल का, प्यारी शर्मा गई, प्यारी गुस्सा गई, सारा रिएक्शन आ गया है और एकदम हमको गर्दा छुड़ा दिया लास्ट में तो हमको एकदम डेंगा दिया. मेरी दीदी आई हुई और ये करने का सबसे अच्छा दिन इसलिए था कि मेरे घर में सब फैमिली आया हुआ है. मेरी मम्मी भी है, मेरी बड़ी दीदी है, छोटी दीदी भी है. उसका रिएक्शन क्या आएगा दीदी का जब सोनल को हम किस करेंगे, सोनल का रिएक्शन क्या आएगा जब दीदी के सामने सोनल को किस करेंगे. बहुत मजेदार प्रैंक है, जाके देखो आप लोग. वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो. और भाई ज्यादा देर आपको समय नहीं लेंगे, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है. A few moments later. चाय बना रही हो जी? अच्छा आंटी क्या चीज कर रही है? काट रही है कुंदरी ना, कुंदरी काट रही है. हमको भी चाय बना देना जी, थोड़ा सा शाम हो ही गया. बन रहा है, सबको मिलेगा, तुमको भी मिलेगा, सभी का बना रहे हैं. क्या चुई चाय आवाज कर रहा है? मुझे आवाज कर रहा है? आवाज कर रहा है? ओ ये बनवा आवाज कर रहा है. माइक्रोवेव क्या? माइक्रोवेव कर रहा है. काम किया है ना, लगता है यही सब आवाज कर रहा है. आंटी की तरफ आवाज कर रहा है, लगता है कुंदरिया रगड़ रही है ना छोल छिलनिया से, तो कोई खुर 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 कर रहा है. oh, no. हाँ हाँ चूहे होगा हमको लगता है, चूहा भी तो इतना सारा घर में. जो प्यार करने वालों को नहीं जी, ये क्या कर रहा है? देख रही है मतलब यहाँ पे बड़ी बहन खड़ी है, अरे ऐसे ही कर रहे थे जी, थोड़ा सा ऐसी बुलाई थी सारा करके इधर. थोड़ा शर्म है तुमको, तो कुछ भी नहीं है, सारा शर्म बेच के पी गया. अरे तो भाभी आप जाइए भैया को लेके जाइए घर में, लेके जाइए घर में. प्यारी समझ गई. बताइए ये कोई जगह है किचन में? क्या क्या चीज की तुम्ही ने बुलाई, इधर आ जाओ. हम तो चाय के लिए बुलाए थे ना, हम तो तुमको चाय के लिए बुलाए थे और तुम तो एक तो यार अपने में कुछ लाश शर्म ही है तुमको. बड़ी बहन खड़ी है, ये खड़ी है, थोड़ा अरे तो हमको ही बुलाई सारा करके, हम बोला बुला रही होगी कुछ ऐसे. तुमको चाय ही ना चाहिए, हम ला रहे हैं चाय, घर में जाके बैठो. चलो चलो घर में चल बोल रहे क्या घर में? घर में जाए तुम जाओ तो चाय, यहाँ पे जब देख रहे हो कि हम लोग काम कर रहे तो जरूरी है. अच्छा ठीक, हम नहीं कुछ करेंगे, ठीक है, करो ना काम. जो जो तुमको चाहिए तुम हमको बता दो, हम लेते चले आएंगे. हमको जो चीज चाहिए आप जाइएगा तब ना. कांची हो गया, इतना गुस्सा रही हो तुम. आलू का भुजिया भी बनेगा भैया. भाभी जाइए, कुछ नहीं लग रहा है. अरे ऐसे थोड़ा बहुत है ना, यहाँ पे कोई जगह है? बोल रही है घर में जा रहे हैं. समझ में आ
समझ में आ रहा है, लेकिन तुम तो एकदम बेहाया हो गया, थोड़ा भी शर्म नाम का चीज नहीं है। अरे ऐसा क्या, चलो तो तुम किचन से हे प्रभु हे प्रभु ये रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी। बाप रे एकदम परेशान रहते, तुम बोल रहे ना मतलब क्या नौटंकी करते रहते हैं, कौन ऐसा करता है? उसको थोड़ा सा भी नहीं लगता ना कि कौन खड़ा है कौन नहीं खड़ा है, थोड़ा बड़ा तभी थी नहीं है कि थोड़ा भी सोच रही थी, ऐसे कभी नहीं करता था इसको, क्या मतलब नया कुछ फाते उसके दिमाग में होगा तो जरूर ना, कभी देखिए जवान है। तो चुप रही आंटी जवान 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 है तो क्या बड़े लोग खड़े हैं और ये स्टार्ट है, इसको ना कुछ समझ में नहीं आता है कि हाँ क्या करना चाहिए क्या। अच्छा ठीक है हो गया, सॉरी गलती हो गया, गलती हम चाय दे दो भाई, हम चल जाएंगे चाय लेके चुपचाप, हम नहीं कुछ कर रहे, झूठ मूठ दीदी गुस्सा हो रही है आई, क्या बोले अब हम मन भाभी के नहीं होगा इसलिए। सही बोली, मन इनको भी है यार, यही बुलाई हमको इशारा करके था, हम इसको नहीं बुलाए किचन आपके सामने है, मच्छर की तरह मच्छड़ा रहा है। हाँ मच्छर की तरह मच्छर, एक छोटा मच्छर नहीं है मोटा मच्छर है। हो गया दिशा देख एकदम, इसको जल्दी से यहाँ से हटाएं, कफाई ब्लड होता पानी पी लो, अब इसको छोड़ेंगे क्या देखना पड़ रहा है, तमाशा बना के एकदम रख दिया है ना, थोड़ा भी होता है ना कि समझ होना चाहिए, थोड़ा भी बड़े लोग खड़े हैं बड़ी बहन खड़ी है, हमको इतना एम्बैरेसिंग लग रहा है ना दी कि आप सोच भी नहीं सकती है, बनाएगा तो उसको पिटाई कर दे, पिटेगा जी इस बार एकदम लेके रखे, जब दीदी भाभी के विमान होगा तो दोनों को पिटाई होगा, क्या बोला तूने मेरे किसने मान होगा, तो हम आगे हम अपना काम कर रहे थे, सोचे क्या कि हाँ चलो देखते हैं दी क्या करनी है, देख रहे हो उधर, अच्छा अब सॉरी सबको माफी, अब नहीं कुछ करेंगे, चाय दे दो बस हम चल जाएंगे, चाय दे दो हमको बस, प्यार करने वालों को म्यूजिक, अरे दीदी चल गई, दीदी चल गई, अरे क्या ड्रामा यार देख रहे हो ये ना, क्या खत्म कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं भैया यहाँ पे, अरे आंटी तो देखिए ये जा पड़ा, दीदी इधर आइए आप जाइए, बहुत अच्छा लग रहा है तुमको ये ड्रामा करने में, जाइए भाभी आप जाइए जाइए, दीदी इधर आइए, अरे देखिए मतलब तुम लोग का तमाशा खत्म करने का नाम ही नहीं ले रहा है, दी देख रहे हैं क्या ऐसा कई बार लगा है, चलो चलो भाभी चलो निकालिए निकालिए दी उसको, प्यारी समझ गई, बाप रे बस जीना मुश्किल हो गया है मेरा, कहाँ गया, बोल दिया है कि अपना बेडरूम में हम लेके आ रहे हैं, तो डांटती उठती नहीं हो सोना, डांटते नहीं यदि आप ही के सामने ना कितना कुछ बोले, सब बताओ कौन ऐसे करता है, क्या भाभी या भैया को खुश नहीं रखते ना, देखिए इनका दिमाग कहाँ से कहाँ जा रहा है, ये तो बोल रहे हैं कि खुश नहीं रखते इसलिए तो भैया किचन में भी आ जा रहे हैं, चुप भैया भाई ये क्या है, ऐसा नहीं करता था, कैसे कैसे कर दिया, कर रहा है समझ में नहीं, क्या ड्रामा है, तो ड्रामा लगा के रखा हुआ है, लग रहा है यही बातें हैं भाभी, प्यारी समझ गई, आप तो चुप रहिए आंटी आप, नहीं तो ये तो रूम में बोले कि अपना जाओ हम लेके आते हैं चाय, फिर आ जाएंगे देखिए, आप आएगा ना तो आप रखे हुए हैं, चाय बन गया दो, हम चाय लेके जा रहे हैं अब, हाँ चाय ओ पता नहीं जी कौन सा नशा करता है, बहुत तेज इसको चाय के बहाने इसको और ही बोले थे ना, बोले थे नहीं भैया आएंगे, अरे यार तुम तो लक्की की तरफ खिला रहे हो, हमको मेरा जीना हराम पड़ गया, खुश रखिए भैया को, चाय अब क्या खुश रखे,
भैया को क्या बोला तूने? वाह दीदी वाह दीदी। नहीं नहीं अभी जाओगी बाजार? तुम लोग जा रही हो? चाय लेकर आओ, चाय लेकर। नवरात्रा कब से? नवरात्रा है सुनो भैया दी, हमको भी तो चाय। कल से नवरात्रा सुनो, अब ले जाएंगे नवरात्रा का। तुम नहीं सकती हो सोना नवरात्रा? हाँ हम कब करते हैं, हम अष्टमी करते हैं ना। तो दीदी लोग सब अष्टमी को किया जाता है ना दी? तो छोटी दीदी मेरी ना 20 साल से कर रही है नवरात्रा। तुम भी जानते हो शरीर खटाती है, इन्हें की शरीर मोटाती है घर में सिर रह के। तुमको क्या दुनिया में सबसे ज्यादा मोटा हम ही दिखते हैं क्या? नहीं कभी नहीं की है, कुछ तो करती है, सिर्फ एक करते हैं। नवरात्रि भी करिए दीदी। हाँ सांस इतनी कड़क है, आपने एकदम सुस्त हो गई है। मम्मी से ज्यादा बूढ़ी तो तुम हो गई हो समय से पहले। अरे चाय क्या अच्छा बनाएगी, खाली चाय भी तो अच्छा बनाती है। चाय चाय अच्छा बनाए। क्या बकवास कर रही है, हम क्या? अरे मम्मी से क्या हो गया? यहाँ पे सब लोग खुद से बड़े बैठे हुए हैं तो थोड़ा बहुत ये रखना चाहिए ना कल्चर, के सामने हमें कैसे रहना है। तुम्हें शर्म है कुछ? तो ये आंटी भी बोल रही है कि क्या 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 दिक्कत है तुमको, क्या परेशानी है बताओगे? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? बात है नहीं, सुबह ही से दीदी के सामने इतना तो क्रिएटिव है। बाहर घूमने जाओ, ये क्या है कि मम्मी है दीदी लोग है, ये आंटी भी आती है। ऐसी दुलार प्यार से, दुलार प्यार से जी चाय अच्छा बनाई तो थोड़ा कॉम्प्लीमेंट दे दिए। ठीक है हम लोग कुछ देर इग्नोर, ये आंटी जाएंगी बाहर क्या कहेंगी तुम्हारे लिए, ये आंटी अगर कहीं जाकर बोलेंगी ना कि देखिए कैसे इस तरह से होता है, दी समझाइए ना। कपल हर जगह होते हैं, ऐसा थोड़ी है कि हम ही लोग तुम ही लोग हो। अरे ठीक है अब नहीं करेंगे, आइए देखते हैं बैठ चल मजा आएगा। अरे ठीक है इतना तुम लोग लेक्चर तो डांट रही हो ना हमको, ठीक है हम जा रहे हैं जाओ हम जा रहे प्रेमी है पागल है ऐसा बेवकूफ लगता है इसका बेवकूफ से शुरू है इतना। देख रही है देखिए कितना परेशान कर रहा है एकदम सुबह से, क्या बोलिए सुबह से ड्रामा किया हुआ है एकदम सुबह से, एकदम सर में दर्द किया हुआ है। A few moments later इधर आओ, कहां गुस्सा के भाग रही हो? ए सॉरी सबको, प्रैंक वीडियो बना रहे थे, प्रैंक कर रहे थे। प्रैंक कुछ होता है भैया, कॉमेडी वीडियो बना रहे थे आंटी। प्रैंक हो गया आपके साथ, बहुत रियल लगता है और हम लोग को लगता है कि प्रैंक कर रहे थे, प्रैंक कर रहे थे। लोग देख के सीखेगा कि दुनिया बहुत आधुनिक हो गया है। गाइस वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, देखिए सबको साथ में लगे, सब शाम के समय देख बज रहा है यहाँ आप देखिए। तो हम चाय के चुस्की के साथ थोड़ा सोनल के साथ चुस्की कर लिए, मम्मी गुस्सा गई, ये दीदी सबसे ज्यादा छोटी वाली दीदी फायर हुई, लेकिन पता चल गया प्रैंक है तो सबका एक्सप्रेशन चेंज हो गया। गाइस अच्छा चीज को एक्सेप्ट कीजिए, बाकी इग्नोर कीजिए। चाय चढ़ा तो मेरा भी इतना स्पीड से काम नहीं करती ना मम्मी से, उनको बोलने देते रोटियां बनाती है। आप कितने बजे आई थी स्पीड में कम्मा के लिए मम्मी बोल रही थी। आगे लग रहे हो क्या बेवकूफ? वैसे क्या कर रहे हो तमीज जैसा? मजा आया।